हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। तो आज 21 दिसंबर है और आज 3 IPOs के अलॉटमेंट स्टेटस आने वाले हैं, जिसमें से पहला है मोती सन्स ज्वेलर्स IPO का अलॉटमेंट स्टेटस, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सूरज इस्टेट IPO का अलॉटमेंट स्टेटस और दूसरा है यहाँ पे मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड IPO का अलॉटमेंट स्टेटस। अब दोनों में ही किस तरीके की लिस्टिंग अनएक्सपेक्टेड है, क्या मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे आया है, मार्केट क्रैश को मिला था कल की डेट में, तो ऐसे में जो GMPs हैं वो काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो उसमें किस तरीके की लिस्टिंग है फिलहाल अभी देखने को मिल सकती है। अगर IPO आपको ये मिल जाता है, आपने अप्लाई किया था और आपको मिल जाता है, तो फर्दर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लिस्टिंग डे वाले दिन, उसके बाद किस तरीके की सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है और कहाँ से आप कैसे IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, कब तक इसको आने की पॉसिबिलिटी है, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सूरज इस्टेट IPO का अलॉटमेंट स्टेटस और इसकी क्या सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिली है। तो टोटल ये 16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और 9 टाइम्स ये रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें अच्छी सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक देखने को मिली है। देन अगर इसकी बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आउट होगा, तो यूजुअली जो है रात को लेट नाइट तक रिजल्ट आउट होता है और इसका जो रजिस्ट्रार है वो ले लिंक्डइन टाइम, तो लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे जाके आप इसका अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना है, तो इसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको डायरेक्टली वो लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करके जो पेज ओपन होगा तो वहां पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे सेलेक्ट कंपनी का नाम आपको डालना है, तो जब अलॉटमेंट स्टेटस आउट होगा तभी वहां पे कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको सेलेक्ट कंपनी करना है। उसके नीचे आपको वहां पे एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, देन वहाँ पे यहाँ पे DP क्लाइंट ID, अकाउंट नंबर, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे इजी रहता है पैन नंबर का ऑप्शन, पैन नंबर का आप ऑप्शन दबाइए, नीचे पैन नंबर भरिए, उसके बाद वहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका स्टेटस दिख जाएगा कि आपको ये IPO मिला है या नहीं। तो इस तरीके से आप इसके जो रजिस्ट्रार पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर अगर आपको ये IPO मिल जाता है तो कल 22 दिसंबर तक आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, नहीं मिलता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, उसके बाद 26 दिसंबर को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गई कि कहां से कैसे चेक करना है, सब्सक्रिप्शन की बात मैंने आपको बता दी, अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग डे में आपको क्या करना है, किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है उसकी अगर बात करें, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी नीचे आ गया है पहले से। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 25 का और इस IPO का प्राइस था 360 का, जिसके बेसिस पे 6-7% तक की लिस्टिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए भी आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको 1000 तक का बेनिफिट एक लॉट पे मिल सकता है। तो अब आपको अगर मिल जाता है ये IPO तो आपको फर्दर करना क्या है, लिस्टिंग डे वाले दिन अगर जिस प्राइस पे ये ओपन होता है, जिस दिन ये लिस्ट होगी कंपनी, जिस प्राइस पे ये ओपन होता है, सेम डे अगर क्लोजिंग उसके नीचे होती है तो बेटर है कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, अगर क्लोजिंग उसके ऊपर होती है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं लिस्टिंग डे वाले दिन। ये हो गया सूरज इस्टेट का। अब दूसरा हम बात करते हैं मुथूट माइक्रोफिन IPO के बारे में। तो मुथूट माइक्रोफिन IPO का अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो टोटल ये 12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी में ये 8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इसका जो रजिस्ट्रार है वो है KFinTech, पहले वाले का मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन टाइम था और इसका KFinTech है। अब KFinTech के पे जाके आपको कैसे अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, एक तो इसका भी स्टेटस जो है वो लेट नाइट तक ही आएगा और चेक कैसे करना है, तो सेम इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आपको डायरेक्टली जो है आप लिंक ओपन करेंगे तो डायरेक्टली उस पेज पे आप लैंड करेंगे। उस पेज पे जाने के बाद आपको सिंपली जो है सेलेक्ट IPO करना है। IPO सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर 3 ऑप्शंस दिखेंगे, पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका डीमैट अकाउंट नंबर, उसमें से आप सबसे इजी है कि आप पैन नंबर भरें। पैन नंबर भरने के बाद आप वहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको आपका स्टेटस वहाँ से दिख जाएगा, तो वेरी इजीली आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत इजी वे है कि आप अपना मैसेज ट्रैक कर सकते हैं, आपका बैंक की तरफ से जो आपको टेक्स्ट मैसेज आता है उसे आपको ट्रैक करना है। अगर आपको डेबिट का मैसेज आता है तो इट मीन्स आपको IPO मिल चुका है, अगर आपको क्रेडिट या रिबॉक का मैसेज आता है इट मीन्स आपको IPO नहीं मिला है।
26th of December को ये कंपनी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। और लिस्टिंग डे वाले दिन हमारी वही स्ट्रेटेजी है सेम जो मैंने आपको सूरज स्टेट में बताई कि अगर ओपनिंग जो इसकी है जिस प्राइस पे ये ओपन होता है अगर क्लोजिंग उसके ऊपर जाती है तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, और इसकी क्लोजिंग प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्शियल या फिर फुल्ली, जैसा आप चाहें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। सिर्फ आपको इसको ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को ट्रैक करना है। क्लोजिंग अगर ऊपर होती है तो आप होल्ड करें, अगर नीचे होती है तो आप उस पर प्रॉफिट बुक कर लें। ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 20 का, एक लॉट में 51 शेयर्स थे जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 6-7% की लिस्टिंग गेन हो सकती है। मीन्स अगर आपने डिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए भी अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आपको 1000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये इसका डिटेल वीडियो था, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।